हेलो गाइस, गो सेफ टेक विथ राज। और मैं राज, आज मैं आप लोग को एक ऐप के बारे में बताऊंगा। वो कौन सा ऐप है मैं बता देता हूँ, ठीक है। पिक्सल ऐप के बारे में बताऊंगा मैं आप लोग को। तो पिक्सल ऐप में यूट्यूब का थंबनेल किस तरह बनता है उसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को जो जो नए देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं वीडियो। YouTube थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को पिक्सल लैब ऐप है एक, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पहले से मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये देखिए ये पिक्सल लैब ऐप है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको एक PNG सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस का आइकन दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद फ्रॉम गैलरी में जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको एक PNG सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ PNG बनाओ, पहले से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वन बाय वन का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। इसको बाद इसको राइट हैंड साइड में देखिए रेड का साइन दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है आपको। देखिए यहाँ पे आ गया, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये PNG हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड में आपको देखिए 3 डॉट दिया हुआ, उसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे इमेज साइज में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ इमेज साइज, इसको क्लिक किए। और उसके बाद यहाँ कस्टम लिखा हुआ, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको क्लिक करना है। आपको साइज लेना है थंबनेल का साइज जो यूट्यूब में लगता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ यूट्यूब थंबनेल, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए 1280p पिक्सल बाय 720 पिक्सल, इसको ओके कर देना है। ये देखिए आ गया यूट्यूब थंबनेल, ठीक है। अब इसको बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक आइकॉन है, उसके बाद बगल में ये देखिए दिया हुआ है ये ड्रॉ है, क्योंकि इसको ये सब गुना सेलेक्ट करके यहाँ पे आना है आपको। देखिए ये वाला आइकॉन जिसमें भी सिलेक्ट किया ब्लू कलर का मार्क दिखे आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करने के बाद आपको कलर्स में जाना है, ठीक है। कलर्स में जाइएगा, आप यहाँ से कोई भी कलर्स भी ले सकते हैं। कलर्स जैसे कि रेड है, येलो है, ठीक है, डीप येलो है, ग्रीन है, इसके बाद ब्लैक है, इसके बाद वाइट है, रेड है, कोई भी कलर यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर नहीं लूँगा, गेस्चर कलर लूँगा, ठीक है, ठीक है। तो गेस्चर कलर में जो हमको अच्छा लगता है, जैसे कि हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके कर देना है, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इसको जूम करके साइज ना, परफेक्ट बैठ जाए, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट बैठ गया है, ठीक है। उसके बाद आपको टेक्स्ट में जाना है, ठीक है, यहाँ तो लिखना होगा कुछ। तो इसमें टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट प्लस में क्लिक करेंगे, उसके बाद एडिट, देखिए पेंसिल का साइन अप दिया हुआ एडिट में, देखिए क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कुछ लिखना है, जैसे कि लिख देते हैं How to make, ठीक है, ये लिख के ओके कर दीजिए, डिलीट कर देते हैं इसको, डिलीट डिलीट हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे हाउ टू मेक को जूम कर लेते हैं, ठीक है।
कुछ डालना चाहते हैं तो डाल भी सकते हैं आप, इससे आप फंट यूज कर लीजिए जो भी फंट आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फंट दिया हुआ, एक आइकन साइन अप जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, क्लिक करना है आपको मिल जाएगा आपको फंड का ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ लेकिन फंड में जाना आपको। ठीक है, तो मैं फंड में जाऊंगा। ठीक है, कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगता है, चाहे आपको जो अच्छा लगता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारा लिख दिया हुआ, बहुत सारा जो भी आपको सेलेक्ट करना कर सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, बायकोटेक है फंट है उसको सेलेक्ट किए। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर दें। देखिए यहाँ पे आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद फिर टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में गए प्लस के में, फिर एडिट यहाँ पे लिखना है आपको यूट्यूब। तो ठीक है, फिर इसका ओके कर देना है, फिर से इसको यहाँ पे लाना है और बड़ा कर देना है। ठीक है, ये बड़ा हो गया, इसमें भी फ्रंट आपको लगेगा। ठीक है, यहाँ से फ्रंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आर्म रेस्टलर का ये आपका फ्रंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके, देखिए यहाँ पे आ गया, यहाँ आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल्ड भी कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ, लाइनिंग भी कर सकते हैं कि जगह लाइन आ जाएगा। ठीक है, आपको लाइन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको क्रॉस कट कर देंगे। ठीक है, और कलर्स में जाएंगे, कलर्स यहाँ शैडो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, शैडो कोई भी कलर का शैडो उसको भी ले सकते हैं, शैडो चाहे रेड ले लीजिए, रेड का शैडो लेकर आप उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एडजस्ट कर सकते हैं किसी तरह के। ओके, हो गया, एडजस्ट कर दिए। अब इसको क्लिक कर देना है राइट, ये हो गया सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है थंबनेल। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट में जाना, फिर से आपको टेक्स्ट में जाना है, फिर एडिट में जाना है आपको, यहाँ पे लिखिएगा थंबनेल। ओके कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लाना है इसको। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। तो इसको यूट्यूब वाला तो सब बीच में कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप देखिए यहाँ पे इसका भी कोई भी कलर ले सकते हैं। पहले फ्रंट देख लेते हैं इसका क्या, कौन सा फ्रंट देना। ठीक है, तो फ्रंट में जाइए। ठीक है, फ्रंट में जाने के बाद आपको हमको ये वाला अच्छा लग रहा था मैं। ठीक है, वेस्ट ले रहा हूँ वेस्टलर, इसमें क्लिक किए उसके बाद आपके ओके कर देना है। ठीक है, ये हमारा आ गया थंबनेल का फ्रंट। उसके बाद आपको कलर चेंज कर देना, इसमें कलर कोई भी कलर इसमें आप दे सकते हैं, कलर में जाना आपको। ठीक है,
येलो ग्रीन ब्लैक ब्लैक भी दे सकते उसको ओके कर देना है ठीक है और इसको यहाँ पे सेव कर देना है बन के रेडी है आपका थंबनेल यहाँ सेव कर दिया आपका थंबनेल बन के रेडी हो गया सेव टू इमेज इसको सेव टू गैलरी में सेव कर देना है ये आपका ये बन के रेडी हो गया थंबनेल आपका प्रोफेशनल थंबनेल आपका रेडी और आप इसको यूट्यूब में थंबनेल के में यूज़ कर सकते हैं।